बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हामिद खान यूसुफ़ज़ई वाई टेपल कम्युनिकेशन की तरफ से। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जो कि रेडमी का नोट 12 प्रो मॉडल नया लॉन्च हुआ है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। हमारी वीडियोज़ वगैरह जो लेट हो गई हैं, हमारी दुकान शॉप की रिनोवेशन हम कर रहे थे, इस वजह से वो लेट हुई थी, तो इस वजह से रिस्पॉन्स भी खास हमने इन लोगों को नहीं दिया है, जिसके लिए हम मदद करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियो है वो इंशाल्लाह डेली बेस के हिसाब से अपडेट होगी और आपको रिस्पॉन्स भी टाइम पे दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, रेडमी का नोट 12 प्रो जिसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जिसका जो कलर हमारे पास अवेलेबल है ग्रेफाइट ग्रे कलर में, हमारे पास रेडमी का नोट 12 प्रो अवेलेबल है ग्रेफाइट ग्रे, जिसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं आपके सामने है ग्रेफाइट ग्रे कलर में, जो कि नॉर्मल कलर है, जिससे जो कि रेडमी का नोट 11 प्रो पहले लॉन्च किया था इन्होंने, बिल्कुल उसी की तरह कलर है। लेकिन एक चेंजिंग इन्होंने दी है, जो कैमरे का जो रिंग है आप देख सकते हैं, जो इन्होंने चेंज किया है, जो कैमरे को थोड़ा सा छोटा किया है इन्होंने। रेडमी नोट 11 प्रो जो है उसका कैमरा बम्प है वो ज़्यादा था इससे, इससे इन्होंने जो कैमरे का बम्प है वो थोड़ा सा कम किया। मैं आपको दिखा दूँ साथ ही रेडमी का नोट 11 प्रो और ये नोट 12 प्रो है, आप देख सकते हैं साइड से, तो कैमरे का बम्प जो है वो आपके सामने इसका जो ज़्यादा है और इसका थोड़ा सा कम है। इसके साथ ही नोट 11 प्रो के साथ कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता चले कि इसमें क्या चेंजिंग इन्होंने दी है, क्या अपग्रेडेशन दी है इन्होंने कि नहीं, कि बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लोगों को जो इन्होंने मामूम बनाया। सबसे पहले आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ, इन्होंने डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ, एमोलेड डिस्प्ले 395 PPI रेट के साथ इन्होंने जो है ये दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो डिस्प्ले के साथ ही हम आते हैं इसके जो चिपसेट है, चिपसेट जो इन्होंने रेडमी का नोट 11 प्रो में इन्होंने दिया था मीडिया टेक G96, और जो नोट 12 प्रो में इन्होंने चिपसेट दिया है वो स्नैपड्रैगन 732G, जो कि पुराना चिपसेट है, लेकिन मीडिया टेक G96 से अच्छा प्रोसेसर, जो कि बैटरी कंज्यूमिंग कम करता है, इससे जो है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में जो है वो मोबाइल हीटअप नहीं होता, मीडिया टेक जो है उससे मोबाइल हल्का फुल्का हीटअप होता है। तो इसमें भी इतना खास इन्होंने चेंजिंग नहीं दी है, सिर्फ स्नैपड्रैगन और मीडिया टेक में इन्होंने चेंजिंग लेके आए हैं। इसके साथ जो इसका कैमरा है, कैमरा 108 मेगापिक्सल, सेम नोट 11 प्रो में भी 108 मेगापिक्सल उन्होंने कैमरा दिया था। फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल दिया है इसका, रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल, फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल है, जो कि बिल्कुल सेम नोट 11 प्रो की तरफ आता है। लेकिन इसका कैमरा जो है हम वो चेक करते हैं आपके साथ, जो 108 मेगापिक्सल है रियर कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 10x जूम के साथ इन्होंने ये लॉन्च किया है जो कि आपके सामने है। और जो फ्रंट कैमरा है सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल इन्होंने दिया है, जो कि इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, 16 मेगापिक्सल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल जो है वो अच्छा खासा कैमरा नज़र आ रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही हम आते हैं इसके चिपसेट की, तो बता दिया हमने, रैम रोम की तरफ आते हैं। सिर्फ इसमें जो चेंजिंग ये लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 256 GB रोम के हैं, क्योंकि 8 GB 256 GB है, जो इससे पहले रेडमी का नोट 11 प्रो था वो 8/128 था। जो सिर्फ एक चेंजिंग ये लेके आए हैं वो सिर्फ रोम में लेके आए हैं 256 GB, बाकी जो डिस्प्ले क्वालिटी हो गया, कैमरा हो गया, वो सब कुछ सेम बिल्कुल ही रेडमी के नोट 11 प्रो की तरह है। और इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh बैटरी है, जो कि नोट 11 प्रो में भी सेम है। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन जो है वो 67 W है उसमें, इसमें भी 67 W है, जो कि खास कर इतनी ख़ास चेंजिंग इसमें नहीं आई है। और लुक में सर ज़्यादा चेंजिंग लेके आए हैं, कैमरा जो है सो ग्लो रिंग की तरह नज़र आता है, लेकिन ये ग्लो रिंग नहीं है, नॉर्मल एक रिंग दिया हुआ है इन्होंने कैमरे के साइड पे, जो कि ज़रा सा इससे चेंज लगता है। नोट 11 प्रो में और नोट 12 प्रो में जो चेंजिंग है सिर्फ रोम की चेंजिंग है, जो कि 256 GB है और उसमें 128 GB था, बाकी इसमें कुछ भी खास इतना इन्होंने नहीं दिया। जिस तरह रेट को आप देखते हैं, 1 लाख रेट ऑफिशियल रेट के साथ इन्होंने लॉन्च किया, जो कि आपको 98,000 में आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दिया जाएगा। टाइम के साथ देखें तो ये 12 वर्जन में था नोट 11 प्रो, ये सिर्फ 13 वर्जन में है। ये चेंजिंग इसमें लेके आए हैं, सिर्फ रोम की चेंजिंग लेके आए हैं। इसमें 3.5 mm जैक है, दोनों के सेम है, क्योंकि नए जो मॉडल लॉन्च किए खासकर सैमसंग हो गया और कंपनीज़ हो गए, तो उन्होंने जो 3.5 mm जैक जो है वो ख़त्म कर दिया है। टाइप सी जो है वो चार्जिंग जो सॉरी हैंडफ्री की जगह है वो सब टाइप सी यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी वो पुराना मॉडल इन्होंने दिया है। रेडमी ने जो ये मॉडल लॉन्च किया है इसमें इनको चाहिए था कि इतने टाइम के साथ जो इन्होंने चेंजिंग इनको चाहिए थी, क्योंकि चिपसेट में चेंजिंग चाहिए थी इनको, जो इन्होंने रेट लॉन्च किया उस रेट के लिहाज से, और जो कैमरा है कैमरा भी सेम दिया इन्होंने,
इनको चाहिए था कि चिपसेट को अपडेट करना चाहिए था, जो उसका रैम है खासकर उसको जो है ना अपडेट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने ख़ास चेंज नहीं किया, सिर्फ ज़रा से लुक चेंज की है, सिर्फ रोम को ज़रा सा इन्होंने अपग्रेड किया, ज़्यादा किया, 256 GB किया, बकाया सेम है, सब कुछ सेम है, चिपसेट हो गया, स्नैपड्रैगन डाला है और ये सिर्फ ज़रा सी चेंजिंग की है इन्होंने, क्योंकि स्नैपड्रैगन चिपसेट जो है वो हेलियो मीडियाटेक G96 से जो 732G स्नैपड्रैगन चिपसेट वो ज़रा सा उससे अच्छा चिपसेट है। फिर भी अगर आपको ये फ़ोन चाहिए होगा तो ये आपके डोर स्टेप पर 98,000 पे डिलीवर कर दिया जाएगा, 8 GB 256 GB वेरियंट के साथ। तो आज के लिए हमारा यही है कि जो हमने वीडियो बनाई है सिर्फ रेडमी नोट 12 प्रो के हवाले से था। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आगे हम जो और वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएं और जो नई नई मालूमात हैं, जो अपडेट्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करते रहें। अगली वीडियो जो हमारी होगी इंशाल्लाह वो रेट के लिहाज से होगा और रेट में इंशाल्लाह लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ मिलेगा और जो कि अच्छी बात है। जितना ही स्टॉक जो है मार्केट में ज़्यादा होता जाएगा, मार्केट में LC वगैरह ओपन होगी तो रेट जो है पहले की तरह नीचे आते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छी बात है ताकि हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी उकता गए हैं हाई रेट्स की वजह से, तो उनको ज़रा सा रिलीफ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। वाइट टेबल कम्युनिकेशन की जानब से हामिद खान यूसुफ़ई और काशिफ भाई जो है इंशाल्लाह वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, काफ़ी इंतज़ार किया आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में उनकी भी वीडियो अपलोड होंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।